जय गुरु जी। आज जो आप सत्संग सुनने जा रहे हैं वो कैथ अंकल जी का है, और अगर आपको भी गुरु कृपा से बच्चे की प्राप्ति है तो आज का सत्संग खास आपके लिए है, इसलिए आप सब सत्संग के अंत तक बने रहना, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। आज आप सबको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। गुरु जी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई छूता नहीं रहता है। वह अभी जिनके पास उनका चित्र है उनके बारे में सुनते हैं और जो उनकी विनती करते हैं सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ भी ऐसा हुआ, जब उन्हें गुरु जी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरु जी ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वह प्रसन्नचित और आनंदित रहें। उनकी पुत्रवधु ने गुरु जी का चित्र मांगा जो उसे दिया गया। कुछ दिन के पश्चात गुरु जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया। उस समय वह गर्भवती थी, गुरु कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरु जी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक कुशांग बुद्धि और चंचल होते हैं। ये जब स्वभाग्यशाली दंपति ने गुरु जी से उसका नामकरण करने की विनती की तो गुरु जी ने उनका नाम गुरभनजीत सिंह रखा। जब गुरु जी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वह परिवार सदा सुखी रहता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।